प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। दूसरी तरफ महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य जारी है। इसे देखते हुए महाविद्यालयों में भी कोरोना सुरक्षा उपायों के प्रति सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए चिंता बढ़ गई है। खरगोन में भी महाविद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। महाविद्यालय में उच्च शिक्षा द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, साथ साथ जो जिले की आपदा प्रबंधन समिति द्वारा भी गाइडलाइन दी जा रही है उसका भी पालन किया जा रहा है। साथ साथ हम पूरे जिले की शैक्षणिक संस्थाओं में ITI, पॉलिटेक्निक, BEd कॉलेज और जनरल डिग्री कॉलेज, इन सब में जा कर के हम निरीक्षण भी कर रहे हैं और वहाँ भी पालन करवा रहे हैं, इस कॉलेज में भी पालन करा रहे हैं। और मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। मास्क का पहनना फिलहाल में तो अनिवार्य ही है और पहनना ही चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और उच्च शिक्षा विभाग से भी ये आदेश आए हुए हैं कि मास्क पहन के ही कॉलेज परिसर में भी इंटर होना है और सैनिटाइज़र वगैरह सब रखने ही हैं। और हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि सभी इस महामारी को देख के सभी मास्क वगैरह पहन के हर जगह जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि प्रदेश के गृह विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं, इसके बाद महाविद्यालय स्तर पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र जारी किया है जिनमें कहा गया है कि सभी प्रकार की परीक्षाओं में शामिल शिक्षकों, कर्मचारियों तथा परीक्षार्थियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन।